करनगर के हबैट कोतवाली अकबरपुर के बैरमपुर बरवा निवासी सड़क हादसे में घायल युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अकबरपुर अयोध्या मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। हत्या का कारण करोड़ों रुपए की भूमि बेचने को बताया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मृतक के दोनों हाथ के अंगूठे पर स्याही लगी है। जिला मुख्यालय से सटे बैरमपुर बरवा गांव का विष्णु राज भर गत शुक्रवार की देर शाम करीब 8 बजे अकबरपुर अयोध्या मार्ग पर हुए सड़क हादसे में घायल हो गया था। जिला अस्पताल लाने के बाद कुछ लोग उसे हरैया बस्तारी के पास हड्डी के एक निजी डॉक्टर के यहाँ लेकर चले गए। यही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। विष्णु राज भर के दोनों हाथ के अंगूठे में सियाही लगी मिली है। इससे घटना कुछ अलग ही संकेत दे रही है। परिजन का आरोप है कि विष्णु की हत्या की गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार की सुबह अकबरपुर फैजाबाद मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। क्षेत्र अधिकारी एवं प्रभारी निदेशक अमित सिंह ने लोगों को समझा कर जाम खुलवाया। परिजन का आरोप है कि भूमाफिया ने विष्णु की करोड़ों की 5 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया तथा दुर्घटना का रूप देकर हत्या कर दी। उन्होंने जमीन का बैनामा कराने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। प्रभारी निदेशक का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है। विष्णु राजभर शुक्रवार देर शाम फैजाबाद मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के सामने परिवहन निगम की बस से घायल हो गया था। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि अज्ञात वाहन से आए एक व्यक्ति ने विष्णु को सड़क किनारे उतार दिया। इसी दौरान पीछे से आई रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। चर्चा है कि भूमाफिया ने विष्णु राजभर को पहले नशे का इंजेक्शन दिया। नशे की हालत में सड़क पर उतारे जाने से वो दुर्घटना का शिकार हो गया। सिटी टीवी 24 न्यूज के लिए अम्बेडकर नगर से जिला संवाददाता शनि वर्मा की रिपोर्ट।